जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मैथ्स विहार यूट्यूब चैनल पर। अभी नवरात्र का समय चल रहा है तो हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि आसपास में बहुत जगह पंडाल का आयोजन होता है तो वहाँ से लाउड स्पीकर की आवाज़ आपको आ रही होगी, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। हम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट किया था। तो ये SSC GD स्पेशल बैच है, लेकिन जो बच्चे SSC GD के अलावे किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन बच्चों को भी यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो GD वाले बच्चे हैं केवल उन्हीं के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ये बात जरूर है कि हम SSC GD का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग विशेष हमारा फोकस रहेगा, लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपका नंबर सिस्टम पूछता है तो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो बिल्कुल बेसिक से सिलसिला शुरू हो चुका था, ये आज दूसरा क्लास होगा। तो आपने अगर पहले क्लास को नहीं देखा होगा तो इसके पहले हमने एक और क्लास ले रखा था, कल वाले क्लास में आपको शाम को 7 बजे से आए थे, तो आप इस सेशन को देखने के बाद से आप उस क्लास को भी देख लेंगे। पहुंचने का, वहां तक जाने का रास्ता आपको बता देते हैं कि नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर हमने लिंक दे रखा है, SSC GD मैथ्स 2022-23 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां पे आप वहां से जाकर वहां पहुंच सकते हैं, क्लियर। और इसके साथ साथ एक और बात आपको बता दें कि मैथ्स विहार जो हमारा चैनल है, आप सबका प्यार सपोर्ट बहुत सारा मिल रहा है, तो इसका हमने स्पेशल आपको जो है स्पेशल क्या मतलब कि आपको एक टेलीग्राम चैनल हमने बना रखा है, आज ही हम बनाए हैं। आज क्या मतलब कि 2-3 दिन हो गया लेकिन आज आपको हम अपडेट दे रहे हैं। तो मैथ्स विहार टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। बेनिफिट आपको ये होगा कि जो भी अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स आपको हम वहां पर देते रहते हैं, वो चाहे नई वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई अपडेट हुआ या फिर किसी एग्जाम में कोई बदलाव हुआ, किसी एग्जाम का डेट आपका चेंज हो गया, ये सब जो भी इंफॉर्मेशन होता है या फिर PDF हो गया तो आपको हम वहां पर डालेंगे। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, बेनिफिट आपको हो जाएगा। मैथ्स विहार यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, तो आप उसको जो है निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट किया जाता है। और आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले कल वाले सेशन में हम लोग देखे थे इंटीजर्स वगैरह की हम लोग बात किए थे, और इंटीजर्स में आपको समझा दिए थे कि भाई इसके तीन पार्ट होते हैं। पूरा हमने डिटेल में आपको समझाया था, आपने अगर क्लास ज्वाइन किया हो तो आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, आपने सीखा भी होगा, अच्छा आपको लगा भी होगा। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम लोग इसी की बात करने वाले हैं, और आगे हम लोग अभी इस वाले क्लास में आगे चल के हम लोग अभी बात करने वाले हैं प्लेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का, और साथ में यूनिट डिजिट का। तो कंप्लीट बातें होंगी, समय के साथ साथ सब आप सीखते चले जाएंगे। तो शुरुआत आज के क्लास में हम लोग डेसिमल नंबर दशमलव संख्या से करने वाले हैं। तो एक बच्चे का कल कमेंट आया था कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, तो हमने पढ़ा नहीं था लेकिन बाद में हमने पढ़ा तो देखिए हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, तो आपको अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिए हमें, डेसिमल नंबर दशमलव संख्या होती क्या है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल बेसिक बातों की यहाँ पे जिक्र करेंगे, और आगे हम लोग का एक और चैप्टर आएगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, तो वहां पे हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में वहां पर हम लोग और विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर का चर्चा है तो हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि भाई डेसिमल नंबर होता क्या है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर की पहचान क्या होती है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हर चीज आप सीखने वाले हैं। तो देखिएगा डेसिमल नंबर बेसिकली जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा प्रमेय संख्या, रेशनल नंबर, और आपने नाम सुना होगा अप्रमेय संख्या, इरेशनल नंबर आपने नाम सुना होगा,
ठीक है, ये रेशनल नंबर और वो अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। तो देखिए बेसिकली डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं, परिमेय और अपरिमेय होते हैं। अब समझिए इस बात को, जिसे मान लीजिए हम लिखते हैं, हमने यहां पर लिख दिया 3/2, क्लियर, हमने 3/2 लिख दिया। तो 3/2 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में आप पढ़े हैं कि जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में होती हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे q इज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। साथ में p और q क्या होना चाहिए, तो p और q होना चाहिए इंटीजर्स, क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए भाई आप 3/2 हम जो लिखे हैं ये बेसिकली आपका p बाई क्यू के फॉर्म में ही है, 3 और 2 आपका क्या है, इंटीजर्स ही है, क्लियर। तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब अगर आप इस चीज को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 3 में 2 से भाग करते हैं, ध्यान देंगे बच्चों, 3 में 2 से अगर आप भाग करते हैं तो क्या आएगा, तो ये 1.5 आएगा। तो 1.5 को हम क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या बोलेंगे। दशमलव संख्या का मतलब क्या हो गया, कि जिस संख्या में आपको डेसिमल दिखाई देता है, डेसिमल दिखाई दिया वो संख्या क्या है, तो दशमलव संख्या है। 3/2 में आप जब भाग करके ऐसे सॉल्व किए तो 1.5 आया, तो इसमें डेसिमल दिखाई दिया तो क्या है, ये दशमलव संख्या हो गया, क्लियर है। तो अब देखिए आप समझिएगा, यहां पे ये 1.5 संख्या है, और दशमलव संख्या में अगर आप देखेंगे तो दशमलव के इधर दाहिने ओर जो अंक है वो लिमिटेड है, इसकी संख्या काउंट कर सकते हैं। देखिए दशमलव के दाहिने मतलब इस साइड में कितने अंक है, केवल 1 अंक है, और वो अंक कौन सा है, 5 है, क्लियर। तो इसको कहा जाता है शांत, इसको क्या बोलेंगे, तो शांत दशमलव संख्या, क्या बोलेंगे, शांत दशमलव संख्या या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्या बोलेंगे इससे बच्चों, तो इससे कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे, शांत दशमलव संख्या कहेंगे, क्लियर। तो देखिए जितने भी शांत दशमलव संख्या होती है वो एक तरह से क्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है, क्लियर, परिमेय संख्या ही होती है। जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए कि हम यहां पे लिख दें, यहां पे हम लिख दिए मान लीजिए कि 9/4 लिख दिए, तो 9/4 क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होने के साथ साथ ये दशमलव संख्या भी है। कैसे है, तो आप 9 में अगर आप 4 से भाग करोगे बच्चों, 9 में 4 से भाग करोगे तो बताओ यहां पर क्या आएगा, 4 × 8 आ गया, 4 × 8 आया ना। आप फिर जब आगे बढ़ोगे तो दशमलव आएगा, 1 बच्चे का 1 पर 0 लाओगे तो 4 बच्चे क्या हो जाएगा, 1 पर 0 लाओगे तो 4 × 8 ना होगा, 4 × 8 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा 2 पर 0 लाओगे 20 हो जाएगा, तो 4 × 5 = 20 आ जाएगा, तो 2.25 आ गया। तो ये भी आपका इसमें दशमलव दिख रहा है, डेसिमल आपका साइन दिख रहा है, देखिए दशमलव का साइन दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो डेसिमल नंबर बोलेंगे। और डेसिमल नंबर में अगर आप देखें तो इसके दशमलव के दाईं ओर इधर इस साइड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस साइड जो डिजिट्स आ रहे हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। आप सब पूछे कि इधर कितने अंक है, तो 1 और 1 2 अंक है, काउंट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या कहेंगे, क्लियर। तो शांत दशमलव संख्या, अच्छा इसको हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो दशमलव संख्या में जो शांत दशमलव संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है, तो परिमेय संख्या कहा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, तो परिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, क्लियर, आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अभी हम अपरिमेय की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम अभी अपरिमेय की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। देखिए यहां पर अभी हम अपरिमेय की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हमको परिमेय समझना है, शांत दशमलव संख्या समझना है, ठीक है। अब देखिए दशमलव संख्या में आपने ऐसा भी देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि हम 10/3 लिख दें, तो देखिए बच्चों ये भी p/q का ही फॉर्म है, क्लियर, देखिए ऊपर में आपका p हो गया, नीचे में q हो गया, तो ये p/q का ही फॉर्म है। तो आप इसको क्या बोलोगे, परिमेय संख्या बोलोगे। परिमेय संख्या के साथ साथ जब आप इसको हल करोगे तो देखियो भाग करोगे तो 3.9 हो गया, फिर 1 बचेगा, 1 पर 0 लाओगे 10 हो जाएगा, और फिर 10 में 3 से भाग करोगे 3×9, फिर 1 बचेगा, 1 पर 0 लाओगे 10 हो जाएगा, 10 में 3 से भाग करोगे 3×9, मतलब ये ऐसे आते रहेगा, 10 3 3 3 ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे आते रहेगा, क्लियर।
तीन 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 ऐसे वो कंटिन्यू आते रहेगा। तो अब बोलिए इसको क्या हम शांत बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, इसको हम शांत नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है, अशांत दशमलव संख्या। लेकिन अशांत में भी इसके पास एक क्वालिटी है, अशांत में भी इसके पास क्या है बच्चों, क्वालिटी है। और वो क्वालिटी क्या है कि यहां पे दशमलव के दाहिने ओर, समझो ध्यान दीजिएगा बच्चों, दशमलव के दाहिने ओर जो डिजिट्स आ रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट मतलब कि बार बार वही आ रहे हैं, ठीक है। तो अशांत तो है ही, अशांत का मतलब कि कभी खत्म नहीं हो रहा है, देखिए इधर कंटिन्यू आती जाएगा, अशांत तो है ही, अशांत के साथ साथ क्या है तो ये आपको आवर्ती भी है, क्या है, आवर्ती भी है। तो इसको हम केवल अशांत दशमलव नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीट, क्या नाम होता है, अशांत और क्या, आवर्ती, अशांत और क्या जी, आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या, दशमलव के बाद मतलब दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या अगर फिक्स हो जाए बच्चों, मतलब उसको आप काउंट कर पाए, तो वो टर्मिनेटिंग दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। लेकिन दशमलव के बाद दाईं ओर, दाईं ओर हम बोल रहे हैं, अगर दशमलव के बाद दाईं ओर आप अंकों की संख्या काउंट न कर पाए तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अशांत बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। साथ में ये आपका क्या है, रिपीट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हिंदी में आवर्ती, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? रिपीटिंग बोलेंगे, रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर ये है, क्लियर। और ये एक तरह की दशमलव संख्या ही है। और इसी देखिए ये कहां से आया, तो दस बट्टा तीन, इसी को हल किए तो ही ना आइए। और 10 बटा 3 क्या है, तो ये है एक परिमेय संख्या, क्लियर। तो परिमेय संख्या का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो या तो शांत होगा या फिर क्या होगा, अशांत होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होगा वो या तो शांत दशमलव होगा या फिर अशांत होगा। और अशांत में क्या होगा, आवर्ती होगा। आवर्ती मतलब दशमलव के दाईं ओर जो डिजिट्स आएंगे वो रिपीट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। परिमेय संख्या का ये दशमलव फॉर्मेट हुआ, क्लियर। अभी हम अपरिमेय की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए हम यहां पे अभी क्रॉस किए हुए, क्लियर, ठीक है। अब ऐसे आपसे अगर लिखा हुआ मिल गया, जैसे 4.25, 4.25, देखिए यहां पे क्या है कि ये दशमलव संख्या तो है, दशमलव के साथ ही साथ ये क्या है, तो आप देख सकते हैं कि दशमलव के दाईं ओर इधर 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 जो आपको अंकों की संख्या ये लिमिटेड है, तो इसको हम बोलेंगे शांत। और शांत जब ये हो गया तो ये परिमेय संख्या तो है ही, ठीक है। देखिए ये परिमेय संख्या है, तो ये आपको अगर दशमलव में देखेंगे तो दशमलव संख्या तो है ही, और परिमेय अपरिमेय देखेंगे तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या का जो दशमलव विस्तार होगा वो दो तरह का होगा, या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। सुन लीजिए बच्चों, या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। और जब अशांत होगा तो अशांत में क्या होगा, आवर्ती होगा। आवर्ती मतलब दशमलव के दाईं ओर जो डिजिट्स आएंगे वो रिपीट करेंगे, क्लियर। तो ये दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या के साथ साथ ये परिमेय संख्या भी है, क्लियर है। इसी तरीके से मान लीजिए हम बच्चों लिख देते हैं यहां पे 63.44444 ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखते गए तो आप देख सकते हैं कि यहां पे दशमलव के दाईं ओर जो डिजिट्स आ रहे हैं वो कभी खत्म होंगे? बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। और अशांत के साथ साथ क्या है बच्चों, तो ये आवर्ती है। क्या है? आवर्ती है, मतलब कि रिपीट कर रहा है। तो ये दशमलव संख्या तो है ही, दशमलव के साथ साथ ये क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या भी है, रेशनल नंबर भी है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या भी है, इस बात को आप समझिएगा, क्लियर है। परिमेय संख्या भी है, उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर। ऐसे आपको हम नंबर लिख दिए 200 यहां पे 14.142424242 ऐसे लिख दिए बच्चों, ठीक है।
तो अब देखिए यहां पे समझिएगा कि यहां पर दशमलव के दाईं ओर अगर आप डिजिट्स देखेंगे तो कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। देखिए हम डैश डैश यहां पर लिखे हुए हैं, तो ये क्या है? अशांत है, क्लियर। और अशांत के साथ साथ आप देखेंगे तो डिजिट्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है। तो अशांत के साथ साथ क्या है? आवर्ती है। क्या है? आवर्ती है। तो ये एक दशमलव संख्या तो है, इसको दशमलव संख्या। अच्छा, दशमलव संख्या का सिंपल मतलब क्या है बच्चों? सिंपल मतलब है कि उसमें दशमलव का बिंदी आया हो, साइन आया हो। तो दशमलव संख्या है। अब अगर इसको देखें कि भाई ये परिमेय है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या भी है। क्या है? परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है बच्चों। क्यों है बच्चों? क्योंकि ये अशांत के साथ साथ क्या है? आवर्ती भी है, क्लियर। अशांत के साथ क्या है बच्चों? आवर्ती भी है। तो आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव विस्तार दो तरीके का होगा, या तो शांत होगा, शांत मतलब कि दशमलव के दाईं ओर आप जो अंक आए उनको आप काउंट कर पाएंगे, या फिर अशांत होगा। और जब अशांत होगा तो आवर्ती भी होगा, क्लियर। केवल अशांत नहीं, अशांत के साथ साथ आवर्ती भी होना जरूरी है बच्चों, क्लियर। तो आप देख लीजिए कि अगर इस तरीके के आपके नंबर्स आपको दिखाई दें तो उनको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे, क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसे? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप इतना समझिए कि जिन संख्याओं का पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर हम बात करें, जिसे रूट दो लिख दिए, तो रूट दो का वर्गमूल निकालेंगे, पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या है। अब इसका अगर आप दशमलव विस्तार देखेंगे ना, तो रूट दो का जो मान आता है वो 1.414, और फिर ये आते रहते कभी खत्म होता नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। जब ये खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। और अशांत के साथ साथ समझिएगा, यहां पर जो डिजिट्स आते हैं रूट दो का आप मान निकालेंगे तो 1.414, फिर यहां पे 5, 6, 7 ऐसे कुछ आते रहेगा, और उसका रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता है। और रिपीटेशन न होने की वजह से इसे कहा जाता है अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आपको हम बोलते हैं इसे, क्लियर। इसे कहा जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। यानी कि जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव जो विस्तार होता है, दशमलव के फॉर्म में जब आप उसको लिखेंगे तो उनका दशमलव विस्तार एक तो अशांत होगा, और अशांत के साथ साथ क्या होगा बच्चों? अनावर्ती होगा। जैसे आप रूट तीन को ले लें तो रूट तीन का मान आपको पता है कि 1.732 होता है, लेकिन ये अप्रोक्स लेते हैं हम लोग दशमलव के तीन स्थान तक मान लेते हैं, किसका? रूट तीन का। वास्तव में इसका जो मान आता है वो ऐसे कंटिन्यू आते रहता है, तो ये एक तरह से क्या हो गया? अशांत हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई रिपीटेशन वाली बात होती है, ऐसा नहीं कि 7-3-2, 7-3-2, 7-3-2 ऐसा नहीं। वहां पे जो डिजिट्स आते हैं उनका कोई रिपीटेशन वाला पैटर्न नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कभी एक आ गया, कभी जीरो आ गया, कभी 8 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 4 आ गया, रिपीटेशन वाला कोई पैटर्न होता नहीं है। तो इसको अशांत के साथ साथ क्या बोलते हैं? तो अनावर्ती बोलते हैं। अशांत अनावर्ती मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आपको कहा जाएगा इसे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव विस्तार होता है, प्रसार होता है, वो भी अशांत होता है। और परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार भी हमने जो देखा था उसमें भी क्या बताया था कि अशांत होता है। अंतर दोनों में क्या है? तो अंतर ये है कि दशमलव संख्या का अगर विस्तार अगर इस तरीके का हो कि उसमें अगर रिपीटेशन वाली बात हो रही है, रिपीटेशन वाली मतलब कि एक डिजिट आपको रिपीट कर रहा है, तो वो आपको परिमेय है। परिमेय है मतलब कि
रेशनल नंबर है, लेकिन अगर आपको डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, उनका कोई आने का फिक्स पैटर्न नहीं है, तो उसे बोलेंगे अनावर्ती। और जब अनावर्ती है मतलब नॉन रिपीटिंग है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपरमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। तो परमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। और अशांत होगा, देखिए अशांत होगा तो आवर्ती होगा, समझिएगा। परमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत होगा, अशांत होगा तो क्या होगा? आवर्ती होगा। और अपरमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा? तो वो अशांत होगा। केवल क्या होगा? अशांत होगा। अशांत में भी क्या होगा? अनावर्ती होगा। क्या होगा बच्चों? अनावर्ती होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाओगे, डाउट यहां से क्लियर हुआ होगा। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं कि 62.43206378 9, ऐसे हम लिख दिए, अपने से लिख दिए और ऐसे हमने डैश डैश लगा दिया। तो इस तरीके से जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, देखिए ये डैश डैश लगाने का मतलब कभी खत्म होगा? बिल्कुल खत्म नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत हो गया। और जो डिजिट्स आ रहे हैं दशमलव के राइट साइड, जो डिजिट्स आ रहे हैं उनके आने का कोई पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, उनका कोई रिपीटेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? अनावर्ती भी हो गया। तो इससे हम क्या बोलेंगे? तो इसे कहेंगे हम लोग अपरमेय संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों? अपरमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो यही आपको अंतर होता है किसमें? तो परमेय में और अपरमेय। तो उम्मीद है, आशा है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे, आपको बातें जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। जैसे हम लिख दिया यहां पे 217.642093317, ऐसे लिख दिए बच्चों, और ऐसे हम डैश डैश लगा दिए। तो ये क्या है? अशांत है, कभी खत्म नहीं होगा, और साथ में ये अनावर्ती है मतलब कि नॉन रिपीटिंग भी है। तो इस वजह से कौन सी संख्या हुई? तो अपरमेय संख्या हो गई, क्लियर है। तो इस प्रकार की जो दशमलव संख्या दिखेंगी आपको समझ जाना है कि अपरमेय है। साथ में ऐसा कोई नंबर जैसे हमने √7 लिख दिया, ये अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। इसी तरीके से हमने लिख दिया यहां पे √11, अपरमेय संख्या है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ऐसा हमने लिख दिया √13, अपरमेय संख्या है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। इसी तरीके से आपको बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी जो आपको अपरमेय होती है, मतलब कि अनगिनत संख्याएं हैं जो अपरमेय होती हैं। बात क्लियर है बच्चों? और एक बात आप और सीख लीजिए, जैसे हम लोग पाई बोलते हैं, पाई, पाई का जो मान होता है हम यूज करते हैं कितना? तो 22/7, क्लियर। तो 22/7 जो है ना, ये P/Q के फॉर्म में हो गया। और जब ये P/Q के फॉर्म में हो गया, आप इसको जब हल कीजिएगा ना, तो इसका जो दशमलव विस्तार होगा, दशमलव विस्तार होगा या तो शांत होगा, और जब शांत नहीं होगा तो अशांत होगा, अशांत होगा तो आवर्ती होगा। आवर्ती मतलब कि वहां पे जो डिजिट्स होंगे दशमलव के दाई ओर जो डिजिट्स आएंगे वो रिपीट होंगे। तो इस तरीके से ये कौन सी संख्या हो गई? तो ये परमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? परमेय संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। लेकिन पाई का जो मान आता है ना, जैसे आपने पाई का जो मान होता है वो आप पढ़े होंगे कि 3.14 भी होता है, और ये 3.14 ऐसे कंटिन्यू आते रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। जब वो खत्म नहीं होता है तो अशांत हो गया। और साथ में यहां पर जो डिजिट्स आते हैं उनका रिपीटेशन भी नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता है तो वो अनावर्ती भी हो गया। तो इस तरीके से आप देखें तो रियल में जो पाई है वो क्या है? तो एक अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। और हम लोग इसका जो मान यूज करते हैं 22/7, वो पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है, वो एक अप्रोक्स मान, मतलब कि उसके आसपास का मान आपको लिया जाता है। तो आप इस बात को तो आप याद रखेंगे बच्चों कि पाई तो एक अपरमेय संख्या है। कौन संख्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है। लेकिन पाई के बदले में हम लोग जो 22/7 यूज करते हैं वो उसका अप्रोक्स मान होता है, लगभग मान होता है, जो कि एक परमेय संख्या है। तो पाई अपरमेय संख्या, जबकि 22/7 क्या है? तो एक परमेय संख्या है। इस बात को आप याद रखेंगे बच्चों, क्लियर। इस बात को आप याद रखेंगे, क्लियर है, ठीक है। और साथ में आप यह भी याद रखिएगा कि जब हम एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को क्या करें,
जोड़े या फिर घटाएं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक परिमेय संख्या 2 ले लिया और एक अपरिमेय संख्या रूट 3 ले लिया, तो ये एक अपरिमेय संख्या आता है, एक अपरिमेय संख्या और एक एक परिमेय संख्या को जोड़ने या फिर घटाने पे जो रिजल्ट मिलता है वो एक अपरिमेय संख्या आएगा। वो क्या आएगा बच्चों? अपरिमेय संख्या आता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं क्या आएगा? तो अपरिमेय संख्या आएगा। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार से अगर हम लोग एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुणा कर दें, जैसे 2 अंडर रूट क्या है? 3 है, तो 2 एक परिमेय संख्या है। जितने भी आप इंटीजर्स पढ़ते हैं ना, सारे के सारे परिमेय हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे क्या है बच्चों? परिमेय हैं। जैसे आप लिखते हैं ना 2, तो आप 2 को आप परिमेय बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 2 का मतलब 2/1 हुआ और 2/1 हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। तो जितने भी इंटीजर्स आप पढ़ते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? पिछले क्लास में आपको हमने बता रखा है बच्चों, ठीक है? तो जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे होते हैं वो सारे के सारे तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो उसमें इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में आपको सब आ जाएंगे। जैसे आपका नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया, ये सारे के सारे इंटीजर्स की तो पार्ट्स हैं। सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, सारे इंटीजर्स के पार्ट है। और जितने भी इंटीजर्स है सब के सब क्या है? तो परिमेय संख्या है बच्चों। क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखिए 2 जो है वो इंटीजर से परिमेय संख्या हो गया, लेकिन रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को गुणा करने पर क्या मिल गया? तो अपरिमेय संख्या मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? अपरिमेय संख्या। इस बात को आप याद रखेंगे कि जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आप क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो क्या मिलता है? तो आपको मिलता है अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से बच्चों जब हम एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करें या फिर अपरिमेय में परिमेय से भाग कर दें तो क्या मिलेगा बच्चों? तो मिलेगा अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा? अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा? ठीक है, अपरिमेय होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही काम की बात है। तो हमने आपको डेसिमल के बारे में जो बेसिक जानकारी होती है, ठीक है, तो आपने देखा कि जो डेसिमल होता है वो आपको 2 भाग में बंटा हुआ है, परिमेय और अपरिमेय। जो डेसिमल नंबर्स हैं उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय के रूप में। क्लियर? परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत होगा, जब अशांत होगा तो आवर्ती होगा, जबकि अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार केवल और केवल क्या होगा बच्चों? अशांत होगा, और अशांत होगा तो अनावर्ती भी होगा। क्लियर? हमने आपको बता रखा है कि अशांत के साथ साथ क्या होगा बच्चों? अनावर्ती भी होगा। तो उम्मीद है, आशा है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कोई भी डाउट आपको रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। कोई डाउट होगा तो आदमी उसको क्लियर करेगा, उसको हम क्लियर करेंगे। क्लियर? तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे बच्चों। चलिए इसको मिटाते हैं।